का नाम तेरी मौत यूं ही बच्ची रख देना चाहिए। नगरी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये विरोध प्रदर्शन, ये हंगामा मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। वजह है एक महीने में 3 रहस्यमयी मौतें। मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पिछले 30 दिनों में 3 कथित आत्महत्याओं से सनसनी मच गई है। 2 छात्रों और 1 महिला प्रोफेसर ने पिछले 1 महीने में यहां कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि लगभग 25 दिन पहले BBA के एक छात्र की लाश बॉयज हॉस्टल में पंखे से लटकी मिली थी। वहीं 5 दिनों पहले डॉक्टर अदिति मल्होत्रा, जो यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर थीं, उनका शव यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मिला था। उनके गले पर चाकू के कट के निशान थे। वहीं गुरुवार को जिस छात्र की लाश मिली है वो मेडिकल का स्टूडेंट था, कोडरमा का रहने वाला ओशो राग चौधरी। सुनिए स्थानीय पुलिस का इस घटना पर क्या कहना है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आज सुबह एक सूचना मिली कि इन्हीं के यहाँ के एक जो डॉक्टर थे, MBBS कर रहे थे सेकंड ईयर में, जो कोडरमा के रहने वाले थे डॉक्टर ओशोराज, इन्होंने अपने ही रूम में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। तत्काल हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और वहाँ मौके पर ये पंखे से इनकी इनका शव लटका हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने उसको करवाया, वहाँ कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं। ऐसा बताया गया कि ये संभवतः कुछ डिप्रेशन का भी शिकार थे और किसी दवाओं में इन्होंने सुसाइड किया है। मूल रूप से झारखंड कोडरमा के थे, इनके परिवारजनों को सूचना दी गई और इसमें विशेष कार्रवाई के लिए बोर्ड सबको मिले। वही यूनिवर्सिटी में 1 महीने में 3 मौतों के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। विरोध प्रदर्शन करते छात्रों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TME लोधीपुर स्थित TME यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। यहाँ पर हमें देखने में आ रहा है कि पिछले 25 दिन में लगातार 3 आत्महत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन व पुलिस प्रशासन एकदम शांत बैठा था, चुप्पी वाले हुए। आखिर कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? आखिर क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती है? पूरे देश के अंदर और भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन केवल इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है? इससे पूर्व में भी घटनाएं लगातार हो चुकी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र CBI जांच की मांग कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में 1 महीने में 3 मौतों से हर कोई हैरान है। इन घटनाओं के पीछे की सही वजह उन लोगों के परिजन भी जानना चाहते हैं जिनकी मौत हुई है, और वो भी जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इस खबर के साथ एक बेहद काम की जानकारी आप अपने चाहने वालों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है या उसे आत्महत्या के विचार आते हैं तो आप भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है और आपको हर संभव मदद दी जाती है। याद रखिए, जान है तो जहान है। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।